आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को क्यों यहाँ भूत बन के ऐसा घूम रहा हूँ। सो थंबनेल देख के समझ गया हूँ कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं अभी अंबाला से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा पहले रुका हुआ हूँ। और मॉर्निंग में मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि नाइट हो रहा था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो अभी मैं अंबाला पहुँचने वाला, थोड़े में अंबाला पहुँच जाऊँगा। और मेरा बाइक जो है आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की सामान है बाइक पे। ये एक बड़ा बैग है और उसके बाद एक नीचे छोटा बैग है। छोटा बैग मेरा है, बड़ा बैग फरमान भाई का है, लेकिन दोनों का सामान मिक्स रखा हुआ है। और जो अभी कंडीशन है ना भाई, पूरा कपड़े वपड़े तो गंदे हो गए, आपको दिखाऊँ तो। बाकी माहौल अभी थोड़ा गर्म हो रहा है धीरे धीरे। बाकी सुबह सुबह है ना, पूरा ओस हो रहा था, पूरा कपड़े भी गीले हो रहे थे और जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे सूरज निकल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और अभी जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे भी मेरे साथ फरमान भाई है। फरमान भाई है और इन्हीं का बाइक है। फिलहाल मैं दिल्ली आया था और दिल्ली से इनके बाइक के ऊपर ही आया था, इनके साथ में ही हूँ। तो अभी और एक भाई और भी आने वाले हैं, गोरा ब्लॉगर, जो कुछ लोग जानते भी होंगे मेरे चैनल पर होंगे, वो गोरा ब्लॉगर। तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे चंडीगढ़ में। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हुए थे। और रास्ते का वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगा, रोड ट्रिप का बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग को देखना हो रोड ट्रिप का वीडियो तो फरमान भाई का चैनल का मैं लिंक दे दूंगा और ये रोड ट्रिप जो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल जो है मैं मेन पॉइंट जो है वो कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये देखो अभी यहाँ पे है, ये गाड़ी धुला रहे, ये हमारे मैनेजर साहब गाड़ी धुलाए अभी अभी और मनाली ले जा रहे हैं इसको धुला करके। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो लोकेशन देखा था वो लोकेशन हो चुका है रिजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जानवरों का दिक्कत था। हम लोग ने आजू बाजू पूछा बट यहाँ हर जगह जानवर का दिक्कत। अभी हम लोग दूसरा लोकेशन देखे तो यहाँ भी थोड़ा है दिक्कत बोल रहे हैं, बट जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी मिल गई हम लोग को। ये आप देखो वो तो टेरेस है और खाली खाली है, मतलब रूम भी है खाली पड़ा, बस अपने को क्या लेना देना है, अपना यहाँ पे ही टेंट लगाना है और यहाँ पे ही रुकना है। तो चलो फटाफट हम लोग थोड़ा साफ सफाई करते हैं और टेंट लगाते हैं, फिर जो होता है देखते क्या करते हैं। टेंट है वो हम लोग रेडी कर लिए हैं पूरा अच्छे से और अभी जा रहे हैं कुछ बनाए बनाएंगे। पहले तो हम लोग गए पानी वानी ले गए, पानी का सुविधा नहीं था, हम लोग गए पानी वानी यहाँ से लेके आए। और अभी जा रहे हैं हम लोग क्या बनाएंगे गोरा भाई? मैगी। मैगी बनाएंगे। तो गोरा भाई कांदा काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, फिर बनाते हैं, चलो देखते हैं। तो गाइस खाना खाने देख रहे हो, मैगी मिल रही है और ये सब का क्रेडिट जो है अपने फरमान भाई को जाता है। फरमान भाई एक नंबर, बढ़िया एक नंबर भाई। और बनाने वाले जो है अपने गौरव ब्लॉगर, जानते ही हो, नहीं जानते हो तो भी जान जाओगे, यूट्यूब पर सर्च करो गोला ब्लॉगर। क्या बोलते हैं गौरव ब्लॉगर? ठीक है, बनाया किसने मैगी? गौरव भाई ने। लक कैसा रहा है? एक नंबर है भाई, गौरव भाई के एकदम गजब। फर्स्ट टाइम इसके हाथ का खाया लेकिन एक नंबर बनाया। बाकी लोकेशन की बात करो तो अभी जो है ना हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं और मैगी खा रहे हैं। और लोकेशन की बात करो तो अंधेरा अंधेरा है और बस कुछ जगह टिमटिमाती लाइट दिख रही है, जो तारे की तरह लग रही है, ऐसे लग रहा तारा है, लोग आसमान में है और वो ज़मीन पर तारा है ऐसा लग रहा है। बाकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जो यहाँ रोशनी वोशनी आए, हमने खाली ऐसे जंगल में ठाके अपना कैंपिंग सेटअप कर लिया, इसलिए यहाँ कोई लाइट वाइट की सुविधा नहीं है, जो है अपने पास उससे काम चला रहे हैं। बाकी
इसको फिनिश करते हैं, इसके बाद बनाएंगे हम लोग चाय, पीते हैं, तब तक आपसे ही बात करते रहेंगे। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए थे भाई, और बर्तन था धोना, पानी पड़ गया कम, लाए थे 3 लीटर पानी बट कम हो गया। सामने यहाँ से 1 किलोमीटर रहेगा एक ढाबा, बर्तन वहाँ लेकर गए और धोए, 3 लीटर वापस पानी लेके आए। लेकिन ठंड जो है वो काफ़ी मस्त है, और अभी दूध हो रहा है गर्म, इसलिए बाहर थोड़ा बैठे हैं और मज़ा ले रहे हैं। और अभी करेंगे चाय बनाएंगे और पियेंगे एक एक गिलास भर भर के। एक गिलास पी लोगे ना भाई? ओह, एक गिलास पी लोगे ना? एक गिलास पी लेंगे हम भी, एक गिलास पी लेंगे। गौरव भाई एक गिलास पी लोगे ना? ओके ओके डन। हाँ, एक गिलास पी लेंगे, मतलब 3 गिलास दूध बनेगा, और मतलब चाय बनेगा, दूध नहीं चाय। बाकी जो माहौल है भाई, मैं आप लोग को बाहर का सीन दिखाता हूँ। ब्लैक 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 में क्या सीन है? कुछ नहीं, सिर्फ जो घर की लाइट जल रही है वो आपको देखने को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। बाहर का कुछ इस तरीके का सीन है, आप देखें तो ये पहाड़ है और पहाड़ों से पूरा लाइट जल रहा है। अभी हम जहाँ पे हैं वो पूरा का पूरा आपको दिखाऊं तो अंधेरा अंधेरा है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं यार। मेन रोड है, मेन रोड से गाड़ी आती जाती है तो उसी का आवाज़ आएगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो मेरा आज पहला नाइट है, वो भी ये पहाड़ों में, जंगल में मेरा ये पहला है, वो भी टेंट के अंदर पहला दिन है आज। क्या एक्सपीरियंस है वो मैं सुबह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल अभी हम लोग चाय बना रहे हैं और पियेंगे चाय मस्त, उसके बाद एक नींद मारेंगे, सिर्फ सुबह मिलेंगे अभी, तो चाय पीते हैं पहले भाई। तो अभी यहाँ पे दूध हो रहा है गर्म, गर्म होने के बाद चाय पत्ती डालते हैं फटाफट। तो भाई चाय वाय पी के हो गए फ्री, और जो भी यहाँ पे था हमने सब कुछ साफ वाफ कर दिया, और अभी जो है हम जा रहे सोने में। आपको टेंट दिखाता हूँ, ये देखो टेंट, ये एक जो टेंट है ये वाटर प्रूफिंग टेंट है, और अपना सादा वाला था, उसके ऊपर तिरपाल लगा दिया भाई, ताकि जो ओस होता है वो ओस ना जाए और ज़्यादा ठंडी भी ना लगे। बाकी ये तो वाटर प्रूफिंग था, ये वाटर प्रूफिंग नहीं था मेरा वाला, उसके ऊपर तिरपाल लगा दिए ताकि हवा भी ना जाए और थोड़ा अंदर गर्म भी रहे, ठीक है। तो देखते हैं अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मॉर्निंग में बताएंगे। सो अभी अपने टेंट के अंदर आ गया हूँ भाई। इस टेंट के अंदर हम 2 लोग सोएंगे, मैं और गोरा भाई, और एक टेंट के अंदर अपना हाथी का बच्चा सोया हुआ है। मेरा मतलब परमार भाई सोए हुए। अब सोचो एक टेंट के अंदर परमार भाई सोए हुए और एक टेंट के अंदर आप 2 लोग सो रहे। फिलहाल कोई नहीं, यहाँ रहेंगे थोड़ा गर्म रहेगा माहौल, 2 लोग क्या, और एक अकेला उधर बर्फ में, सुबह सुबह पत्थर बन के मिलेगा, बर्फ बन के मिलेगा। फिलहाल गुड नाइट, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और जो अंदर का एक्सपीरियंस था वो मैं कल मॉर्निंग में शेयर करूँगा, आई थिंक आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो आपको कल मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिखाओ, फिर मिलते हैं हम आगे वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।